CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में। इब्तदाई उर्दू जमात 3 सबक 2 तोते की चालाकी। बच्चों, आप जानते हैं कि वाकया किस्सा क्या होता है। वाकया या किस्सा जो है वो एक पूरा मामला होता है जो गुजर चुका है और उसका बयान किया जाता है। आप इसी तरह की कहानी भी होती है, तो वाकया, किस्सा, कहानी ये सब एक ही जुमरे में रखे जा सकते हैं। और इन सब का मकसद ये होता है कि इनसे हमें कुछ इखलाकी सबक मिले। इसी तरह की एक चीज होती है जिसको हम हिकायत कहते हैं। हिकायत ऐसा मुख्तसर किस्सा है जिसमें कोई इखलाकी सबक मौजूद होता है, कोई नसीहत मिलती है और दिलचस्प तो होता ही है। ऐसी बहुत सारी हिकायतें मौजूद हैं। कदीम हिंदुस्तानी अवामी किस्से जो हैं उनको भी हिकायत कह सकते। पंचतंत्र, जातक कथाएं वगैरह हिकायत में शुमार की जाती हैं। इसी तरह शेख सादी की गुलिस्तान और बोस्तान भी वो किताबें हैं जिनके उर्दू में तर्जुमे हुए। इसी तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एक बहुत मशहूर ज़माना तसनीफ है जिसमें बहुत सारी हिकायत या हिकायतें शामिल हैं। मौलाना रूमी का ज़माना 13वीं सदी ईस्वी का है, यानी 1207 में पैदा हुए और 1273 में उनका इंतकाल हुआ। अपने ज़माने के बड़े आलिम थे और उनकी शोहरत जो थी वो सूफी शायर की हैसियत से हुई। उनकी जो किताब है मसनवी मौलाना रूम, उसमें एक हिकायत दर्ज है। उस हिकायत को यहां पर इस सबक में शामिल किया। और ये पूरा किस्सा जो है वो एक तोते और सौदागर के बारे में है कि सौदागर के पास एक तोता था जो वो हिंदुस्तान से लेकर गया था और उसको पिंजरे में कैद कर दिया था। एक बार वो हिंदुस्तान के सफर पर जा रहा था तो वो तमाम जो उसके नौकर चाकर थे वो उन सब को जमा करके उनसे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफे लाऊं। सभी लोग अपनी अपनी पसंद बता दे, तो वो सौदागर उस तोते से भी पूछता है। तो तोता जो कहता है वो ये कि फलां जगह पर जब आप पहुंच जाओगे तो वहां पर तोतों से मेरा सलाम कह देना। सौदागर कहता है ठीक है, और वो हिंदुस्तान सफर के लिए निकल पड़ता है। जब हिंदुस्तान पहुंच जाता है और उस जगह पर जो तोते ने वो जगह बताई थी उस जगह पर जब पहुंच जाता है तो वहां उसको तोतों का एक झुंड दिखाई देता है। तो वो उस झुंड को मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारे तरह का एक तोता हमारे पास कैद है
और उसने तुम्हें सलामो पयाम भेजा है। ये सुनना होता है कि उस झुंड में से एक तोता कप कपा कर गिर जाता है। सौदागर को बहुत अफसोस होता है। उसको ख्याल आता है कि ये तोता जो गिरा है, गिरकर मर गया, वो जो मेरे पास तोता है उसका अजीज दोस्त होगा या अजीज होगा या रिश्तेदार होगा, बहुत करीबी होगा, जिसकी वजह से उसको ये सदमा पहुंचा। खैर, वो जिस सफर के लिए निकला था, अपने काम को अंजाम देता है और उस काम को अंजाम देने के बाद वो वापस जाता है। जब वापस जाता है तो सभी के जो तोहफे थे वो सबको दे देता है। तोता भी पूछता है कि मेरे लिए क्या लेकर आए। सौदागर उसको बताता है कि हमने तुम्हारा पैगाम तुम्हारे जो साथी थे, तोतों का जो झुंड था, हमने उनको दे दिया, लेकिन तुम आगे ना सुनो तो बेहतर है। तोता जिद करता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझे जरूर बताओ। तो वो कहता है, जैसे ही मैंने वो पैगाम उनको दिया, एक तोता कपकपा कर डाल से गिर पड़ा और मर गया। जब वो ये सुनता है तो पिंजरे के अंदर तोता भी कपकपा कर गिर जाता है। सौदागर को और बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि ये इन दोनों का करीबी रिश्ता था जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया ये, और अपने साथी की मौत का सदमा इस कदर हुआ कि ये भी चल बसा। और वो इजहार अफसोस करने लगता है कि मैंने क्यों ये बात इसको बताई, अगर नहीं बताता तो क्या हर्ज था। जब अफसोस करने के बाद पिंजरे को खोलता है और उस तोते को जो कपकपा के गिर गया था, बेजान हो गया था, उसको निकाल के बाहर फेंक देता। जैसे ही वो निकाल कर फेंकता है, तोता फड़फड़ा कर हवा में उड़ जाता है, यानी वो पिंजरे से या पिंजरे की कैद से आजाद हो जाता है। सौदागर को बड़ी हैरत होती है। वो पूछता है कि ऐसा क्या मैसेज था, ऐसा क्या पैगाम तुम्हें मिला जो तुमने इस तरह से मेरे साथ किया। तोता कहता है कि हमारे जो साथियों ने जो सलाम और पयाम तुमने उन्हें दिया था, तो उन्होंने इशारे में एक बात हमें बता दी थी, वो ये कि अगर रिहाई हासिल करना चाहते हो तो अपने आप को किस तरह से पेश करो। तो ये वो तदबीर थी जो उन्होंने मुझे बताई थी अपने एक्शन के जरिए, अपने अमल के जरिए। दूसरी चीज ये कि आजादी हासिल करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं था। ये वो पूरी हिकायत है जो इस सबक में बयान की गई है। आइए इस सबक को एक मर्तबा पढ़ते। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज वाला तोता। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सबने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताई। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए।
उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूं और आपने मुझे भुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है, आप आजाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूं। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम और पयाम पहुंचाया। पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथराकर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था, बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा, तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलाम और पयाम पहुंचाया, उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया, वो कपकपाकर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जब ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, दांतों से उंगलियां काट ली, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की, अगर मैं ये बात न कहता तो क्या हर्ज होता। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है। तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपने को मुर्दा बना दे, फिर तू आजाद हो जाए। ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। तो ये वो हिकायत है। इससे ये सबक मिलता है कि तोते ने सलाम और पयाम इसीलिए भेजा था कि रिहाई हासिल करने की तदबीर मालूम हो सके। दूसरी चीज ये कि आजादी बड़ी नेमत है। हम कहीं पर भी हों, हमारा दिल हमेशा अपने वतन में ही होता है। अगर आका कितना ही रहम दिल हो और शफकत से पेश आए, लेकिन गुलामी किसी भी तरह अच्छी नहीं हो सकती, और परिंदों के लिए आजादी उनका उड़ना फिरना ही है। ये वो मकसद है जो हमें इस सबक से हासिल होता है। ये नसीहत है कि हमें अपनी आजादी को बरकरार रखना और अपने वतन के लिए मोहब्बत हमेशा कायम रखना है। हम कहीं पर भी हों, चाहे परदेश में हो, लेकिन हमारे दिल से वतन की मोहब्बत कभी कम नहीं होनी चाहिए। इस सबक में आपके कुछ मुहावरे आपके सामने हैं, जैसे दिल फटना, दांतों से उंगलियां काटना, ठंडा होना। ये मुहावरे
वो हैं जो इस सबक में इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह के और भी मुहावरे हो सकते हैं। ठंडा होना यानी मुर्दा हो जाना, बिल्कुल हरकत से दूर हो जाना या हरकत ना करना, ठंडा हो जाना। दिल फटना, बहुत ज्यादा दुख होना, तकलीफ होना। दांतों से उंगलियां काटना यानी बहुत ज्यादा अफसोस करना, बहुत ज्यादा अपने ऊपर लानतों मलामत करना। एक और चीज इसमें आपने गौर की कि इसमें परिंदे के बारे में बात की गई है। परिंदा कौन सा? तोता। तोते के से मुताल्लिक तो बहुत सारे मुहावरे मशहूर हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे तोता चश्म होना यानी बेमुरव्वत होना, बेआशना होना। अगर कोई हमसे बेमुरव्वती करे या लाताल्लुकी का इजहार करे तो हम उसको कहते हैं कि वो तोता चश्मी है या तोता चश्म हो गया है। तोते की तरह आंखें फेर लेना, बेवफाई करना, बेपरवाही करना, इस माने में इस्तेमाल होगा। तोते उड़ जाना एक और मुहावरा है। तोते उड़ जाना यानी जब हम बहुत घबरा जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि तोते उड़ गए। तोता पालना भी एक मुहावरा है, यानी किसी काम को हाथ में लेना, पूरी तरह से उस काम में जुट जाना, तोता पालना। अरे आपने तो तोता पाल लिया, यानी इस काम को हाथ में ले रखा है। तोते की तरह रटना, ये भी एक मुहावरा है, यानी बेसोचे समझे पढ़ना। रटना तो वैसे ही जो कुछ भी बताया जाए उसका वैसे ही बिना सोचे समझे आप कबूल कर लें या बिना सोचे समझे आप उसको पढ़ें, तो वो रटना ही तो हुआ। और तोते की तरह पढ़ना, रटना यानी तोते की जो खूबियां हैं उन तमाम खूबियों माल मुहावरे में मौजूद है। तोता बोलता है यानी उसको चंद एक अल्फाज या आवाजें सिखा दी जाती हैं तो वो उसको रट लेता है, वो बार बार उसको दोहराता है। तोते की तरह आंख फेर लेना, तोता चश्मी या तोता चश्म होना, ये तमाम खूबियां हैं जिनकी बिना पर ये मुहावरे कायम हुए। एक और लफ्ज भी है, तूती बोलना, तोता तूती। तूती बोलना यानी शोहरत होना, रसूख होना। जब बहुत ज्यादा असर हो या बहुत ज्यादा शोहरत होती है तो हम कहते हैं कि उसकी तूती बोल रही है या उसकी तूती बोलती थी, ये इस तरह। अब आप कोशिश कीजिए क्या किसी और जानवर के बारे में इस तरह के मुहावरे आप जमा कर सकते हैं। कोशिश करें और तलाश कीजिए। इसके लिए आप लुगत की मदद ले सकते हैं। लुगत में लफ्ज के साथ साथ उस लफ्ज के मुहावरे भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है उल्लू, हम सब लोग जानते हैं। उल्लू से जुड़े हुए भी बहुत सारे मुहावरे। उल्लू चील की किस्म का एक परिंदा होता है जो वीरानों और खंडरों में रहता है। खंडर जो होते हैं, वीरान जगह, वहां पर होता है उसकी ये खसूसियत। बहुत सारे मुहावरे हैं। उल्लू बनना, उल्लू बनाना, उल्लू बनना यानी बेवकूफ बनना, उल्लू बनाना बेवकूफ बनाना, उल्लू बोलना वीराना होना, आबादी ना होना या आबादी ना रहना, उजड़ना,
जो जगह उजड़ चुकी होती है उसके लिए हम वहाँ मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि उस जगह पर उल्लू बोलने लगे। उल्लू बोलना, उल्लू होना ही एक मुहावरा है, यानी बेवकूफ होना। उल्लू फंसना, किसी बेवकूफ का काबू में आना। एक और खूबसूरत मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मकसद पूरा करना। तो ये जो है इस परिंदे से जुड़े हुए मुहावरे हैं। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो परिंदों से ताल्लुक रखते हैं, जानवरों से ताल्लुक रखते हैं, और भी किसी चीज से, किसी अज़ू से, किसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, यानी उनसे जुड़े हुए भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं। आप इसी तरह के मुहावरे तलाश कीजिए, उनको तहरीर कीजिए और गौर कीजिए कि उससे क्या माने ज़ाहिर होते हैं, और फिर अपनी इबारत में, अपने बोल चाल में उनका इस्तेमाल भी कीजिए, अपनी गुफ्तगू में उनका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ इस सबक में और भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे सौदागर और तोता। ये वाहिद लफ्ज़ है, यानी एक को जाहिर करते हैं, लेकिन अगर दूसरे जुमलों पर गौर करें तो वहां पर तोते के लिए तोतों लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, तोतों का झुंड। ये लफ्ज जमा है। इसी तरह से उंगली है, उंगली, एक उंगली और बहुत सारी उंगलियां या एक से ज्यादा उंगलियां हैं तो हम उनको उंगलियां कहेंगे। तो ये जमा, वाहिद और जमा। कहने का मतलब ये कि वाहिद वो इस्म होता है जो सिर्फ किस एक शख्स, एक चीज या एक जगह को जाहिर करे, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा हो तो वो जमा कहलाता है। इस तरह आप ऐसे अल्फाज जमा कीजिए जो वाहिद हों और उनकी जमा तलाश करके लिखिए, जैसे तोहफा, सौदागर, कौम। आप इसकी दूसरी सूरत भी कर सकते हैं कि जमा के अल्फाज तलाश कीजिए और उनका वाहिद लिखिए, जैसे परिंदों, बागों, दांतों, पिंजरे, बातें। इन अल्फाज के वाहिद तलाश करके लिखिए। इस कहानी को एक मर्तबा फिर पढ़िए और किसने क्या कहा, किससे कहा, ये तलाश करके आप अलग अलग लिखिए। मिसाल के तौर पर, इस मुल्क से तुम्हारे, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, ये किसने कहा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा, किसने कहा, किससे कहा। ऐसे जुमले इसमें तलाश कीजिए और उनके बारे में लिखिए कि ये जुमला किसने कहा और किससे कहा। ऐसे जुमले जो होते हैं वो मकालमे कहलाते हैं। मकालमा यानी डायलॉग, यानी जो बात किरदार के जरिए अदा की जाती है, जो कलामात अदा किए जाते हैं वो मुकालमा कहलाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को गौर से पढ़ें, इस पर तवज्जो दें और अपनी इबारत लिखने की जो सूरत है उसको बेहतर बनाएं, यानी आप एक
अच्छी इबारत लिख सकें, अच्छी तहरीर लिख सकें। इबारत से हमारी मुराद कि जुमले सही होने चाहिए, मुनासिब होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, सादा जुमले होने चाहिए, ज़बान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और ज़बान को सही इस्तेमाल में आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इसका इमला सही होना चाहिए। इमला यानी लिखने का तरीका। आप जानते हैं कि उर्दू में लफ्ज़ को हम जब भी लिखते हैं तो हरूफ को जोड़ते वक्त हरूफ की शक्लें, पूरी शक्लें नहीं लिखी जाती बल्कि उनकी मुख्तसर शक्ल लिखी जाती। हर हर्फ की मुख्तसर शक्ल लिखी जाती और वो शक्लें आपस में जोड़ दी जाती हैं। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में दो चीज़ें ख़ास तौर से ध्यान रखने की होती हैं। पहली चीज शोशा, यानी हर हर्फ के लिए एक शोशा होता है और नुक्ता, उन शोशों के साथ नुक्ते शामिल होते हैं। तो वो शोशे सही होने चाहिए। सीन के शोशे, तीन शोशे होते हैं, उसको किस तरह से जोड़ना है इस पर गौर करना हो। नुक्ते सही जगह पर होने चाहिए वरना जो पढ़ने वाला है वो कुछ और पढ़ लेगा, यानी आपने जो कहना चाहा है वो मतलब ना निकल कर कोई दूसरी ही मानी या कोई दूसरे ही मफहूम निकल आएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें इमला पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए और ये हमें मश्क के ज़रिए ही हासिल होता है। तो जितनी मश्क हो सकती है तहरीर के हवाले से कीजिए, अपनी इबारत को सही कीजिए ताकि आप अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात का सही तौर पर इजहार कर सकें। शुक्रिया साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT न्यू दिल्ली इंडिया।